केजरीवाल कैबिनेट ने विधायकों के लैंड यानी कि लोकल डेवलपमेंट फंड में 250% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। विधायकों को अब 4 करोड़ की बजाय 10 करोड़ का फंड दिया जाएगा। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के मुताबिक सरकार के इस फैसले से लोकल लेवल पर डेवलपमेंट में अब तेजी आ सकेगी। सरकार ने यह भी फैसला लिया है कि लैंड फंड के इस्तेमाल से संबंधित गाइडलाइन में बदलाव का अधिकार शहरी विकास विभाग के मंत्री के पास होगा और इस फैसले का असर यह होगा कि मामूली फेरबदल के चलते कैबिनेट में मामला नहीं लाना पड़ेगा। और इसके अलावा सरकार ने 15 भाषाओं की अकादमी बनाने का भी फैसला लिया है। केजरीवाल सरकार ने एड्स से पीड़ित मरीजों की महीने की सहायता राशि में भी दोगुनी करने का इसका फैसला लिया है। सरकार ने डिसेबिलिटी पेंशनर कैटेगरी को अब बिल्कुल अलग कर दिया है और इससे विकलांगों को 2500 रुपए के महीने की सहायता राशि ताउम्र मिलती रहेगी। इससे पहले विकलांगों को 60 साल की उम्र पार करने के बाद वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी जो 2000 रुपए थी, जिसको कि अब बढ़ा दिया गया है। तो मनीष सिसोदिया ने ये सारे फैसलों की जानकारी सदन में दी। सबसे बड़ा फैसला ये है कि विधायक निधि जो फंड होता था अब तक 4 करोड़ का होता था, यानी कि कोई भी विधायक अपने क्षेत्र में 4 करोड़ तक का विकास कार्य करा सकता था, लेकिन अब इसको बढ़ा दिया गया है, 10 करोड़ तक कर दिया गया है। स्पेंडिंग का ये मॉडल, एक्सपेंडिचर का ये मॉडल और भी आगे चलेगा, क्योंकि लोकल डेवलपमेंट का जितना आइडिया एमएलएस को होता है उतना सचिवालयों में बैठे हुए अधिकारियों को या मंत्रियों को पूरी दिल्ली के बारे में नहीं हो सकता है, इसलिए फैसला लिया गया है। तो 4 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ा के कर दी गई है कार है, और हम खुद पिछले करीब 2 साल से इस पर प्रयास कर रहे थे। तो आज दिल्ली की कैबिनेट ने फैसला लिया था कि कुछ अकेडमीज तो पहले से हैं, उर्दू अकेडमी है, हिंदी अकेडमी है, सिंधी अकेडमी है, पंजाबी है, मैथिली भोजपुरी है, तो इस तरह की करीब 6-7 अकेडमीज पहले से हैं दिल्ली में। 15 और अकेडमीज बनाने का फैसला लिया है, इसमें हरियाणवी, उत्तराखंड की गढ़वाली कुमायूनी की भाषा की है, गुजराती है, राजस्थानी है, साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की है, असम लैंग्वेज की है, बांग्ला है, इन सब भाषाओं की अकेडमीज दिल्ली में बनाई जाएंगी। और इन भाषाओं के सांस्कृतिक कार्यक्रम कराना, इनके आर्ट कल्चर लिटरेचर पे काम करना, इनके लिटरेचर को जनता तक पहुंचाना, इनके आर्ट एंड कल्चर को जनता तक पहुंचाना, इसका काम ये अकेडमीज करेंगी। तो 15 भाषाओं की अकेडमी खोली जाएगी और विधायक फंड बढ़ाया गया है। तरुण कालरा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। तरुण, कैबिनेट में कई फैसले हुए और सबसे बड़ा और अहम फैसला ये कि अब विधायकों को ज्यादा पैसा मिलेगा विकास के लिए। बिल्कुल, चौथे साल के अंदर केजरीवाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 6 करोड़ रुपए सीधे इजाफा किया है विधायकों के लैंड फंड के अंदर। इससे सीधा विधायकों को अपने वोटर से जुड़ने का मौका मिलेगा, जो माइक्रो लेवल के ऊपर डेवलपमेंट का काम है उसको विधायकों को करने में आसानी होगी। साथ ही साथ एक और अहम फैसला इसके अंदर ये भी लिया गया है कि जो गाइडलाइन थी इस फंड को इस्तेमाल करने के लिए, उसके अंदर अगर थोड़ा सा भी फेरबदल करना होता था तो मामला कैबिनेट के अंदर लाया जाता था, लेकिन अब कैबिनेट ने यह तय किया है कि शहरी विकास विभाग का जो मंत्री है, जो इस समय मौजूदा वक्त में सत्येंद्र जैन है, उन्हीं के हाथ में अधिकार होगा कि मामूली अगर फेरबदल है गाइडलाइन में कि कहाँ लैंड फंड का इस्तेमाल हो सकता है कहाँ नहीं हो सकता है, इसका पूरा अधिकार सत्येंद्र जैन को दिया गया है। इसके साथ जो दूसरा महत्वपूर्ण मसला है, जो भी सीधे वोट बैंक की राजनीति से जुड़ा है, वो 15 भाषाओं की अकेडमी खोलने का है। जिस भी भाषा की अकेडमी खोली जाती है तो जो उससे जुड़ा हुआ वर्ग होता है वो अपने आप को पैसिफाई समझता है कि हमारी जो कल्चर को सहेज के रख रही है सरकार, उसका प्रचार प्रसार हो रहा है, लिहाजा सरकार उसकी दिशा कदम पर आगे बढ़ते हुए 15 भाषाओं की अकेडमी खोलने जा रही है। तो जाहिर तौर पर जो भी उन 15 भाषाओं से संबंधित वोट बैंक होगा वो सरकार के प्रति नरमी रखेगा और सरकार के प्रति कहीं ना कहीं इमोशनल टच क्रिएट कर पाएगा कि हमारी सभ्यता का, हमारे रिचुअल्स का ध्यान रखा गया है, उसके फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली में। और तीसरा अहम फैसला जो हुआ है वो एड्स से जो पीड़ित मरीज हैं वो उनका जो सहायता राशि है वो सीधे डबल कर दी गई है। हालांकि संख्या बहुत कम है उनकी, लेकिन तब भी बहुत जरूरी उनको आर्थिक सहायता की होती है, जो सरकार ने उनको डबल कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उनको बड़ी राहत मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण, तमाम जानकारी के लिए।